नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी जिसने मुंबई में बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, धूम मचा रही है। चलिए मिलते हैं श्रेया शुक्ला से। नमस्कार श्रेया। नमस्कार श्रेया जी, आपने हमारा बुंदेलखंड का नाम जो मुंबई में उसकी पताका फहराई है वो तो आदरणीय है ही। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में शुरुआत से बताएं कि झांसी से आपका वास्ता कैसा है, कहाँ आप पढ़ी, कहाँ आपने एजुकेशन पाई, उसके बारे में बताइए। मैं बेसिकली झांसी की रहने वाली हूँ। मैं खाती बाबा में रहती हूँ झांसी में। तो मेरे पापा रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे, अभी रिटायर हो गए। और क्या नाम है उनका? नवीन चंद्र शुक्ला। और बाकी मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से कैथेड्रल स्कूल से करी है, तो 10th 12th मैंने दोनों वहीं से करे हैं। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज भी झांसी से ही पूरी करी है, BIT झांसी खोजा भावर, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहां से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी है। और बस उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में अपना मिस इंडिया का फॉर्म भरा। एक्चुअली मैंने खुद ने भी नहीं भरा था, मैं वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव थी कॉलेज में। जी, मैं अपने कॉलेज की कल्चरल काउंसिल की सेक्रेटरी भी थी। तो मेरी फ्रेंड्स को बहुत मन था कि मैं एक बार वहां पे जाके ट्राई करूं, तो उन्होंने मेरा फॉर्म जबरदस्ती भरा था। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, पूनम सुरभि वगैरह, तो उन्होंने मेरा जबरदस्ती फॉर्म भरा था। फिर मैं गई, ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ। फिर मैं कॉम्पिटिशन में गई, कॉम्पिटिशन में मेरे को पहले मिस UP और फिर मिस इंडिया सेकेंड रनर अप का खिताब मिला। उसके बाद आपकी यात्रा क्या रही, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो पूरी हो ही चुकी थी? जी, इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं BIT से ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने मेरे पास काफ़ी जॉब ऑफर्स थे जो मिले थे, अमेजोन से था, गूगल से था, बट देन मेरे को लगा कि एक बार मेरे को ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो मैं दिल्ली चली गई मॉडलिंग करने। अच्छा, इसके पहले आप मॉडलिंग के लिए बाहर गई, इसके अलावा झांसी में आपने इस तरह का कोई आजमाया आपने अभिनय के नहीं में? कभी भी नहीं, मेरा कोई मोटो ही नहीं था इस फील्ड में जाने का। मैं तो इंजीनियर लाटरी खुली है। हाँ जी, मैं तो इंजीनियर बनना चाहती थी, बट फ्रेंड्स का वो फॉर्म भरना और फिर वहां सिलेक्शन होना, वहां पे जीतना, फिर मुझे लगा एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। और आपको पता ही है ग्लैमर की दुनिया कितनी चमचमाती हुई है, तो लगता है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं जब वहां से जीत के आई, तो मेरे एक मेंटोर थे प्रशांत चौधरी, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी वहां पे दिल्ली में असाइनमेंट्स दिलाने में इनिशियल डेज में। तो वहां गई मैंने, काफी सारे टॉप मेकअप आर्टिस्ट, अतुल चौहान, साइरस मैथ्यू, जितने टॉप मेकअप आर्टिस्ट हैं दिल्ली के, उन सबके साथ मॉडलिंग करी है। बाकी टॉप ब्रांड्स के साथ करी है दिल्ली की, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, सबके लिए मॉडलिंग करी है। देन फिर मेरे को एक एड मिला जो मुझे, मैं दिल्ली में थी, भाभी जी घर पर है के तिवारी जी, रोहिताज गौड़ जी, उनके साथ था बाल्ट्रा इलेक्ट्रिकल्स का। अच्छा। तो मेरे पापा मुझे मुंबई लेके गए थे शूट के लिए। पहली बार मैं मुंबई गई, मतलब ऐसे काम करने के लिए पहली बार मैं मुंबई गई। मैंने वहां पे वो शूट किया, मैंने वो दुनिया देखी, मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं मॉडलिंग में कहा हूँ, एक्टिंग में आना चाहिए। फिर मैंने सोचा मुंबई शिफ्ट हो जाती हूँ। वहां पे मैंने एक मूवी भी साइन करी थी जी। जब मैं गई थी तो पापा के एक फ्रेंड थे, उनके थ्रू मेरी एक मूवी साइन हुई थी, जिसकी वजह से मैं वहां शिफ्ट हुई थी, जो आज तक नहीं बनी। जो आज नहीं, वो बनेगी भी नहीं। कुछ मूवीज होती है ना डिब्बे में जाने के लिए, वो वैसी मूवी थी। तो वो मूवी मैंने साइन करी, उसकी वजह से मैं वहां शिफ्ट हुई थी। वो मूवी तो नहीं बनी, खैर जाने के बाद मुझे काफी अच्छा काम मिला, मैंने काफी अच्छा काम कर रही हूँ, तो अब चल रहा है। सिलसिलेवार बताइए कि सबसे पहले आपको पहली पायदान कैसे मिली और उसमें कितनी जद्दोजहद हुई आपके जीवन में? देखो, दूर से लगता है कि सब कुछ बहुत इजी है, वहां जाएंगे कुछ नहीं, हम सुंदर हैं, हमें थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, एक्टिंग फील बहुत इजी है, करना क्या है, कैमरे के सामने खड़े होना है, दो डायलॉग बोलने, हम हीरो बन जाएंगे, हीरोइन बन जाएंगे, बट असल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सो जब आपके साथ किसी तरह का कोई प्रशिक्षण भी नहीं था? हाँ, मैंने तो कोई एक्टिंग क्लासेस, कुछ थिएटर वगैरह कुछ भी नहीं करा। बस बचपन में कथक सीखा था, इलाहाबाद के उससे प्रभाकर किया था मैंने। तो बस उसके अलावा मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट देन ठीक है, ब्लड में था थोड़ा, पापा भी थोड़े मेरे पापा भी आर्टिस्ट हैं और बचपन से कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती आई हूँ, तो
चली गई। तो वहां आपको सबसे पहला सफल मुकाम क्या मिला? देखो मॉडलिंग में तो ऐसा है कि मैं गई तो मुझे सारे अच्छे असाइनमेंट्स ही मिले, मतलब टच वुड मुझे उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं जैसे कि बोल रही हूँ, मेरे एक मेंटोर थे, मतलब है अभी भी, अब मतलब मैं उनसे इतने टच में नहीं हूँ, बट देन उस टाइम उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, प्रशांत चौधरी सर ने, और उन्होंने मुझे काफी असाइनमेंट दिलाए जिसके थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट मिलते गए और असाइनमेंट्स मिलते रहे। हाँ बट एक्टिंग में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट चीजें, एक्टिंग में एक्चुअली आके मैंने फेस करी है, जो डिफिकल्ट फेजेस होते हैं लाइफ के वो मैंने एक्टिंग में आके फेस करे हैं। तो आपको किस तरह की और कोई फिल्मों में भी आपने काम किया है या कर रही हैं? जी मैंने तीन प्रोजेक्ट जी के करे हैं, और एक न्याय द जस्टिस करके मूवी है जो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री पे बनी है, उसमें मैंने लीड किया है रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर। जी वो जनवरी में Z5 पर रिलीज हो रही है। अच्छा, अच्छा। और उसके अलावा जी के मैंने दो प्रोजेक्ट्स और किए हैं, एक उड़ान और एक और, वो भी अभी रिलीज पे हैं। बाकी कन्नड़ मैंने अभी रिसेंटली मूवी करी है, धर्मा कीर्तिराज कन्नड़ का एक्टर है उनके साथ, जिसका नाम है बुलेट, वो भी जनवरी में रिलीज है। अच्छा। और मैंने एक जो सबसे पहली वेब सीरीज करी थी उसका नाम था अराजक, जो कि रापची ओरिजिनल्स करके एक ऐप है उस पर रिलीज है। और उसके अलावा काफी सारे और प्रोजेक्ट करे हैं मैंने, अश्मित पटेल के साथ एक वेब सीरीज करी है अमेज़न की जिगोलो, वो भी अभी रिलीज होने वाली है। मतलब आने वाला साल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2024। अभी तक तो मैं काम कर रही थी, अब रिजल्ट सामने आएंगे। मतलब आने वाले साल के लिए मोदी जी का भी महत्वपूर्ण साल है और आपका भी। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा मैंने बीच में ये जाना था, पढ़ा था कि आपने कुछ भजन वगैरह में भी आपने कुछ काम किया है। हाँ मतलब एग्जैक्टली नॉट भजन, मैंने म्यूजिक चैनल डाला है अपना खुद का, मैं अपना प्रोडक्शन डालना चाहती थी, बिकॉज एक्टिंग लाइफ आपको भी पता है कि एक्ट्रेस की एक्टिंग लाइफ एक समय तक सीमित रहती है, तो मुझे कुछ साइड में अपना और कुछ भी करना था, तो मुझे लगा कि जब आपकी खुद की साइड है जी, तो मुझे लगा कि कुछ और करने से बेटर है अपने फील्ड में ही कुछ करें, तो मैंने अभी अपना प्रोडक्शन हाउस डाला है पीतांबरा प्रोडक्शन के नाम से, हमारी पीतांबरा माता के नाम से जी मैंने अपने प्रोडक्शन का नाम रखा है। तो पीतांबरा प्रोडक्शन से मैंने उसमें एक म्यूजिक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है पीतांबरा म्यूजिक। तो अभी फिलहाल दो गाने लॉन्च किए, एक गणपति जी पे और एक माता रानी पे किया था, जो कि अनूप जलोटा जी ने गाया है, काफी सपोर्टिव है वो भी। और अभी दो गाने मैंने अल्तमश फरीदी के रिकॉर्ड करवाए हैं, और उदित नारायण सर से बात चल रही है, उनका भी गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ मैं जाके, तो अभी कर रही हूँ काफी उसमें, देखते हैं क्या होता है। आपके मुंबई की यात्रा जो आप झांसी से उड़ान भर के चली गई, उस उड़ान वाली यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि मुश्किलें कहाँ आपके जीवन में आई, क्योंकि बिना मुश्किलों के से तो निखार आता नहीं है, तो कहते ना यूं ही कोई नहीं बन जाता रजनीगंधा। लगा तो यही था कि मुंबई जाऊंगी, दो तीन जगह ऑडिशन दूंगी, कोई कुछ अच्छा मिल जाएगा, दो दिन में एक्टर बन जाऊंगी, बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर अगर आप एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने जा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 20,000 से 50,000 लोग ऑडिशन दे रहे होते हैं, तो इट्स नॉट सो इजी, और ऊपर से वहां पे फेवरिंग इतनी चलती है, उनके कोई जानने वाले हैं उसको चला गया, आपने अच्छा किया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सो होता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, लोग आप लड़की हो वो इंडस्ट्री थोड़ी आपको भी पता है, तो काफी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपसे फालतू की बातें करते हैं, मेरे साथ ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शंस में बैठ के हुए, बट देन आपको उसे ओवरकम करना आना चाहिए। तो बस यही है कि मैं करती गई, मैंने कहा जो भी है भगवान देखेगा, काफी स्ट्रगल किया बीच में, कोरोना के टाइम तो बहुत ही डिप्रेसिंग फेज था, तो उस टाइम तो मुझे लगा बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किया नहीं। मैं घर ही आ गई थी, फिर मैंने पापा को फोन किया, मैं बहुत रोई, फिर पापा ने समझाया कि हर प्रोफेशन में आप सेंड आउट करते हैं, ऊंचा नीचा तो होता ही है। अच्छा श्रेया, चूंकि आप बुंदेली बेटी हैं, तो वहाँ बुंदेलखंड के लिए आपका क्या रोल है? हमारे यहाँ से उड़ के आप वहाँ गई हैं, तो बुंदेलखंड के लिए भी कुछ कर रही हैं या बस वहाँ की जगमगाती दुनिया में खो गई हैं? नहीं एक्चुअली यहाँ से काफी लोग, काफी सारे लोग हैं जो वहाँ पे आए हैं, मुझे कांटेक्ट भी करते हैं यहाँ के, यहाँ से लड़कियां लड़के की मैम हेल्प कर दो, तो मेरी जितनी हेल्प मैं अपने एंड पे जितनी हेल्प कर सकती हूँ प्रोडक्शंस में कांटेक्ट दे देती हूँ, उन्हें फोन कर देती हूँ पर्सनली कि ये मेरे जान पहचान का है आप देख लो, तो मैं हाँ जितनी मैं कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ, बट देन
इवेंचुअली तो वो आपके हाथ में है ना कि आप में वो टैलेंट है या नहीं। हुनर खुशबूदार होता है, है तो बोलता है। ये भी देखा गया है कि कलाकारों में आपस में द्वेष बहुत है और महिलाओं को इस मामले में बहुत आगे माना जाता है। क्या आप मानती हैं ऐसा वहां भी होता है? वहां होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके नसीब का होता है वो उसी को मिलता है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स भी मेरे से ये बोलते हैं कि तुम हमेशा सबको सपोर्ट करती हो, अपने हिस्से के काम तुम सबको दिलवा देती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे नसीब का काम होगा तो मैं ही करूंगी, और किसी और के नसीब का होगा तो वो उसके पास जाएगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं रेफर कर सकती हूँ, कोई मेरे पास अच्छा कैरेक्टर या कोई रोल आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि मेरे किसी फ्रेंड पे या किसी नोन पे जा सकता है, तो मैं रेफर कर देती हूँ। आनंद आता है फिर? हाँ, मैंने अभी कन्नड़ मूवी करी है, उसमें उन्होंने मेरे से बोला कि दो कैरेक्टर्स हैं, एक पैरेलल लीड का था और एक मेन विलन के बेटे का था। तो झांसी का ही एक लड़का है राजदीप वाजपेयी, तो मैंने उसको कन्नड़ मूवी में मेन विलन वाला कैरेक्टर दिलाया, और मेरी एक फ्रेंड थी उसको मैंने पैरेलल लीड दिलाया उसमें। तो हाँ, मतलब मिलजुल के अगर हमारा बुंदेलखंड वाला प्रेजेंस करें तो क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है। श्रेया, आपके आने वाले प्रोजेक्ट जो अब तैयार हैं, हालांकि 2024 का आपने बहुत सारा उल्लेख कर दिया है, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत धमाकेदार होंगे? मेरे को जो मेन इंतजार है वो न्याय का है, जो सुशांत सिंह वाली मर्डर मिस्ट्री है उसका, और दूसरा जो मैंने बुलेट कन्नड़ मूवी करी है, बिकॉज वो मेरे लिए टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, ज्यादा से ज्यादा बुंदेलखंड ही बोल सकती हूँ, बट वहां मुझे कन्नड़ बोलनी पड़ी, कन्नड़ा बोलनी पड़ी। तो कन्नड़ा आपने सीखी थी या डब किया जाएगा? नहीं, क्या नहीं, मैंने पूरे डायलॉग कन्नड़ा में रट के ही बोले हैं। वो मेरे से बोलते थे, मैं उसे इंग्लिश में लिखती थी, फिर मैं उसको रटती थी, फिर मैं उनसे उसका मतलब समझती थी और फिर मैं परफॉर्म करती थी। तो फिर मुझे उस मूवी का वो फिल्म तो हमारे इस इलाके के लोग देख नहीं पाएंगे, कन्नड़ में तो हिंदी इंग्लिश और तेलुगु तमिल में डब हो रही है। अच्छा। तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देखना चाहे देख सकते अच्छा। हैं। इसके अलावा अगर आप एक बड़ा रुमानी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर श्रेया अभिनेत्री ना होती तो क्या बनना चाहती थी? मैं IAS की प्रिपरेशन करना चाहती थी, मेरा सपना था कि मैं IAS बनूं, बट देन वो तो खैर आपकी कभी ना कभी पूर्ति हो जाएगी अभिनय के दौरान, क्योंकि फिल्म वाले लोग IAS IPS मैं जो मेरी पहली वेब सीरीज थी उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो IPS का ही था। अच्छा अच्छा। श्रेया, आपके जीवन में आने वाले कल में ऐसी कोई बात आपके मन में आती हो जो आप मुंबई और झांसी के दरमियान भी आपकी हुआ हो, तो नई पीढ़ी को आप किस तरह का कहना चाहेंगी कि जब भी वो मुंबई जाएं तो किस तरह की सावधानियां उन्हें रखना अति आवश्यक है? पेशेंस, पेशेंस इज द की। वहां जाके आप ये सोचे कि मैं आ गया हूँ और दो दिन में ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा किसी प्रोफेशन में भी नहीं होता है, हम कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं तो इवेंचुअली इट टेक्स टाइम डेवलप करने के लिए। तो वहां पे भी ऐसा ही है, इतने लोग एक ही चीज के लिए भाग रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं है। आप पेशेंस रखिए, इवेंचुअली आप मेहनत करते रहेंगे तो चीजें आपके पास आएंगी, बस आपको अपना रास्ता नहीं भटकना है। बहुत बार देखा गया है कि जो लोग मुंबई जाते हैं और जाके जब वो वापस अपने शहर में आते हैं तो उनका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है, वो मुंबई के बाबू बन जाते हैं और उनका अपना स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप का तरीका भी बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? मुंबई ये सिखाती है क्या? नहीं, मुंबई ये सब नहीं सिखाती है। आई थिंक ये सब आपको आपके बचपन से जो आपको संस्कार मिले होते हैं वो सिखाते हैं, लोगों में जो एटीट्यूड आता है, मतलब झांसी के कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अब काफी बड़े लोग हो गए, बट देन वो लोग बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, हम प्रमोट करेंगे, बट देन कोई कांटेक्ट करता है उन्हें झांसी वाला तो वो एटीट्यूड दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी रूट्स नहीं भूलना चाहिए, आप जहां से आए हो और दूसरों को प्रमोट करोगे तो भगवान आपको प्रमोट करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। ठीक है। चलिए, अगर आपसे एक ऐसा रुमानी सवाल पूछा जाए कि आपकी अगर दो ख्वाहिशें आपसे तुरंत भगवान मिल जाए और वो कहे बताओ बेटा क्या वरदान चाहिए तुम्हें, तो क्या मांगना चाहोगी? पहला तो ये कि मैं सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाऊं, और दूसरा ये कि मेरे पास इतना हो कि मैं सबकी मदद कर पाऊं। सबकी मदद तो आप अभी भी कर रही हैं, मतलब जैसे भी मॉनेटरली भी किसी को
किसी चीज की जरूरत है, गरीबी, यू नो, ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अभी, जैसे मैं एनजीओ से जुड़ी हूँ काफी सारे, तो चैरिटी करने का बड़ा मूड है आपका। तो मुझे अभी हम लोग की जो एनजीओ है उसके अंडर हम 16 बच्चों को उनकी फीस भरते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो 16 से 1600 कर सकूं, मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश का आधार है। मुंबई की आबो हवा और बुंदेलखंड की आबो हवा में बहुत फर्क है, क्या आपको, किस नजरिए से आप इस मुद्दे को लेती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। तो हर जगह का चीजें अलग अलग होती हैं, आप जैसे अपने झांसी का ले लें, तो यहाँ के लोगों की सोच अभी भी थोड़ा सा इस साइड पे है, मतलब वो थोड़ा सा दबा के रखने वाली सोच है, लड़कियों को दबा के रखने वाली लड़कियां हैं, छोटे कपड़े पहन के बाहर मत निकलो, और नापतोल करते जी जी। तो ये चीज है मुंबई में, नहीं मुंबई में आप कितने छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलो, कोई कुछ नहीं बोलता है, ना कोई देखता है किसी को, मतलब फुर्सत ही नहीं है किसी को। तो बहुत सारी चीजों में डिफरेंस है यहाँ और उधर में, बट देन मुझे ये लगता है कि अपनी अपनी जगह के हिसाब से दोनों सही है, अब जहाँ के लोग जैसे होंगे लोग वैसे ही करेंगे वहां। कभी आपको ऐसा सब होता है तो आपको इरिटेशन होता है? होता तो है बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, मेरी फैमिली में ही होता है। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करती हूँ, तो बीइंग इन अ मॉडलिंग और एक्टिंग प्रोफेशन, कुछ फोटोज होती है जो बोल्ड होती है, तो काफी लोग वहां पे फोटो देखते हैं, फिर आके घर पे मम्मी पापा को फोन करके कि अरे तुम्हारी बेटी तो ऐसी फोटो डाल रही है, अरे तो मेरा प्रोफेशन है यार, मैं यहाँ के थोड़ी पहन रही हूँ। काम को तवज्जो नहीं देना चाहते, चलो ठीक है। श्रेय जी, बंजारा बिट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे कलाकारों को हम ढूंढ ढूंढ के अपने चैनल पे दिखाते हैं। हम चाहेंगे कि चूंकि आप अब झांसी से उड़ान भर के मुंबई जा चुकी हैं और वहां के आबो हवा से आप वाकिफ हैं, तो जो यहाँ से मुंबई जाने के लिए तैयार बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको लगता है कि वहां पे कोई गॉडफादर मिलेगा और वो बढ़िया से उनको सर्वाइव करने में मदद करेगा, क्या कहना चाहेंगे ऐसी बेटियों के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गॉडफादर नहीं मिलता। सीरियल में और फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है। वो सिर्फ सीरियल और फिल्म है, वो सिनेमैटिक लाइफ है, और सिनेमैटिक लाइफ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। सो बेसिकली आपको वहां जाके मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ऑडिशन देने पड़ते हैं। आप जब 1000 ऑडिशन देते हैं तब आप एक कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट होता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं इंडस्ट्री में, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको डील करना आना चाहिए। सो कुछ लोग होते हैं वहां जाके हताश हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, यार मुझसे नहीं हो रहा मैं तो जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस पे अड़े रहिए ना, आपको इवेंचुअली जाके सक्सेस मिलेगी। मतलब लूजर की मुंबई में कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो है, क्योंकि लोग जो जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर सकते हैं, हाँ सक्सेस ऑलवेज टेक्स टाइम, अगर वो टाइम ले रही है तो धीमे धीमे आएगी, बट आएगी जरूर अगर आप उस पे मेहनत करते रहेंगे तो। अब जैसे कि आपने पिछले अभी बातचीत में बताया कि आपके पास कोई अभिनय का कोई प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी आपने धीमे धीमे उसको पिकअप किया, तो क्या लगता कि इन सब चीजों को अगर पहले से अगर आप और तैयार करके जाती, यहाँ से प्रशिक्षण होके जाती, तो ज्यादा फायदा उठा सकती थी वहां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी काफी सारी फ्रेंड्स है जो अभी वहां मुंबई में है, जिन्होंने एक्टिंग स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, अनुपम खेर वगैरह से एक्टिंग सीखी हुई है और वो लिया हुआ है, बट देन वहां पे इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज की बात होती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी पे बैठ, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आप सूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप में वो कॉन्फिडेंस है वो कैरेक्टर प्ले करने का या नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि थिएटर या ये सब चीजें हेल्प करती है, आपका कॉन्फिडेंस और आप उस कैरेक्टर में कितना जा रहे हो, ये चीजें हेल्प करती है वहां पे। तो ये माना जाए कि हम श्रेया जो है वहां जाके अभी तो की शुरुआत है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो एक्चुअली शुरू भी नहीं हुआ है, अब शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये थी खाती बाबा निवासी श्रेया शुक्ला, जो मुंबई की उड़ान के बारे में, बुंदेलखंड से मुंबई की उड़ान के बारे में बंजारा बिट के साथ चर्चा कर रही थी। बंजारा बिट से बात करने के लिए श्रेया जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।